अमर शहीद युवा संगठन ने छात्राओं की सुरक्षा एवं खेल मैदान को दृष्टिगत रखते हुए भवन व विद्यालय परिसर को स्थिर बनाए रखने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। टीकमगढ़ शहर का हृदय कहे जाने वाला नजरबाग मैदान, जहां कई वर्ष से विद्यालय संचालित है, छात्राओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कोतवाली के पास सुरक्षित स्थान पर कई वर्षों से लगता आ रहा था, जो कि टीकमगढ़ कलेक्टर एसडीएम सीएमओ के द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने पुरानी बिल्डिंग को ना गिराने का विचार किया एवं नई बिल्डिंग के निर्माण के साथ पुराने भवन में भी कक्षाएं पूरे तरीके से शुरू किए जाने पर विचार किया। अमर शहीद युवा संगठन एवं कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुरानी बिल्डिंग को, जो कि पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उस बिल्डिंग को गिराकर उसी जगह पर एक नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाए, ताकि दूर दराज से आने वाली छात्राओं के लिए सुविधाजनक हो सके एवं नजरबाग मैदान शहर के बीचों बीच एकमात्र खेल मैदान है, जिस मैदान पर अमर शहीद महिला अंतर्राष्ट्रीय लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट एवं फुटबॉल के टूर्नामेंट होते रहते हैं। छात्र छात्राएं प्रतिदिन खेलों का अभ्यास भी करते हैं एवं कई प्रतियोगिताएं भी होती रहती हैं एवं साल का सबसे बड़ा त्योहार दशहरा रावण दहन समारोह भी होता है। संचार माध्यम से अवगत हुआ है कि खेल मैदान पर हाई सेकेंडरी स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। संगठन का कहना है कि छात्राओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कोतवाली के समीप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पीछे पड़ी हुई जमीन पर विद्यालय का निर्माण कराया जाए, ताकि समस्या का समाधान हो सके। MP7 न्यूज के लिए टीकमगढ़ ब्यूरो कलीम खान की रिपोर्ट। उस ग्राउंड को बचाओ के लिए हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। क्या मांग रही हैं आप? हम लोगों की मांग रही है कि नजरबाग प्रांगण को बीच ग्राउंड पर जो वहां पे नया भवन बनाया जा रहा है, उसको व्यवस्थित रूप से बनाए जाने के लेकर हमने मांग की है, जो कि पहले भी यहां पे निकल चुका था कि जो पुरानी बिल्डिंग है उसको गिराकर नई बिल्डिंग बनाई जाए। लेकिन अब हम लोगों को कुछ नया देखने को मिला है कुछ लोगों के द्वारा कि वो बिल्डिंग नहीं गिराई जा रही है और बीच मैदान में जहाँ पे हम लोगों की बाउंड्री होती है उस मैदान को छोटा करने के लिए वहाँ पर नव निर्माण कराने के लिए लोग लगे हुए हैं। क्या चाहते हैं कि उसी बिल्डिंग को फिर से गिराकर बनाई जाए नया भवन? अमर शहीद युवा संगठन और टीकमगढ़ का हर नागरिक ये चाहता है कि जो पुरानी बिल्डिंग है उसको गिराकर नई बिल्डिंग बनाई जाए, और अगर ऐसा अगर नहीं होता है तो हम लोग 4 दिन बाद कैंडल मार्च शांतिपूर्वक सोशल डिस्टेंस के उससे पूरे खिलाड़ी टीकमगढ़ के 2-500 लड़के पूरे बच्चियां अपने कैंडल मार्च निकालेंगी शहर में से, और भी अगर नहीं अगर हम लोगों की बात मानी जाती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, उसके लिए चाहे हम पे कानूनी कोई भी हम लोगों पे हो जाए, लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं। जो हम लोगों को चाहिए ग्राउंड शहर में होना चाहिए। रावण दहन का भी आप लोगों ने सुना है कि रावण दहन भी शहर को बीचों बीच होता है, जहाँ पर हमारी बहनें माताएं जाती हैं और सुरक्षित वहां पे हर प्रकार का होता है। अब जी अगर ये ग्राउंड हम लोगों के यहां से चला जाएगा तो आप ही बताइए कि रावण दहन कहां होगा, क्योंकि अब पुरानी जो बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त है या नहीं? पुरानी जो बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त है और कुछ ही दिन बाद वो गिर भी जाएगी, इसीलिए हम श्रीमान जी से निवेदन करते हैं कि उसको गिराकर न्यू बिल्डिंग बनाई जाए। आज तो ज्ञापन जो पेश किया है तो अमर शहीद युवा संगठन जो आप लोग हैं पेश किया है, और इनका कहना है कि छात्रों की सुरक्षा एवं खेल मैदान को सुरक्षा की दृष्टि से जी। और वहाँ झील सील जो शासकीय भवन है विद्यालय का नजरबाग परिसर का व्यवस्थित रूप से बनाए जाने के संबंध में पेश किया है। इसमें हम साहब के स्पेशल डाक उसमें रख देंगे अभी, परीक्षण करने के बाद जो भी निर्देशित करेंगे, क्योंकि अभी नगरीय क्षेत्र में तो साहब ही प्रशासक है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें विचार करके अच्छा काम कर सके। थैंक यू। शासन से इसको भी निर्वेज किया गया था, इसी वो हुआ इसको टूटना चाहिए, इसका पत्र भी है सर, इसका ऐसा शासन। हाँ सर,
रखा है उसको भी देख लेंगे, परीक्षण कर लेंगे, जो आपकी मांग है पूरा हो सके जल्दी से जल्दी, ऐसा हम प्रयास करते हैं। थैंक यू।